आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व गवर्नर, हमारे मार्गदर्शक जस्टिस कोकजे साहब, जस्टिस दीपक वर्मा साहब, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट, आज एक अंदरूनी बात बता दूं कि मेरी कॉलेजियम में भी थे साहब, मुझे यहाँ तक पहुँचाने, मध्य प्रदेश में जब मैं जज बना था। मंचा सेन, प्रोफेसर मनोज सिन्हा, डॉक्टर मंजूश्री भंडारी, महक जी, मोहित जी, डॉक्टर ज्योति बिंदल, इस समारोह में उपस्थित जस्टिस केसरबानी, फॉर्मर जजेस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जस्टिस गोहिल, जस्टिस काकरे, जस्टिस जैन, राज्यसभा सदस्य मेरे मित्र विवेक तनखा जी, मैं देख रहा हूँ मैं यहाँ काफ़ी समय रहा, कई मित्र मेरे उपस्थित हैं, सभी मित्रवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर जैन साहब, उनकी टीम, प्रोफेसर ऑफ मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे रोंडा वर्ण की कुछ चार लाइनें बड़ी अच्छी लगती हैं। मानसिक शक्तियों का कंपन ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ होता। जब तक विचार किसी चीज का मन में ना आवे तो उसका आह्वान करें। जब तक आपकी जिंदगी में कोई चीज नहीं आ सकती, जब तक उनका आप आह्वान ना करेंगे। ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है जब अवसर मौजूद हो, आवेग मौजूद हो तो अपना कर्म कर दें, यहीं सफलता शुरू होती है। और मुझे ऐसा लगता है आज इस यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत लॉ यूनिवर्सिटी की हो रही है, ये अवसर है इंदौर शहर के लिए, जहां पर मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ कॉलेज नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश में ऑलरेडी दो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उस स्टैंडर्ड की लीगल एजुकेशन मैं जो समझ पा रहा हूं अभी तक कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस कॉलेज में भी उसी स्टैंडर्ड से एजुकेशन का शुभारंभ होगा, ऐसी मेरी कामना है और इससे तो शुभकामनाएं। अभी हम सुन रहे थे, सबसे पहले डॉक्टर मंजूश्री भंडारी ने यूनिवर्सिटी का पूरा सेटअप बताया, क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम लोग अपनी एजुकेशन से शुरुआत करते हैं तो आपने कोकजे साहब को सुना, वर्मा साहब को सुना, उन्होंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही है। जो मुझे याद आता है 1964 तक बीसीआई ने दो वर्ष की कोर्स थी, उसके बाद उन्होंने दो वर्ष की जगह से तीन वर्ष का किया, क्योंकि ये इवनिंग कोर्सेज क्लोज कर दिए, और 67 से उन्होंने तीन साल का चालू किया, क्योंकि उन कोर्सेस में ड्यू एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, ये उनका उद्देश्य था। और बाद में जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तर्ज पर, बेंगलोर की तर्ज पर, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बार काउंसिल ने यह तय किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉ फील्ड में कैसा होना चाहिए, वो 5 ईयर और प्रोफेशनल कोर्स के कॉम्पिटेंस मेडिकल एज वेल एज इंजीनियरिंग की बराबरी के साथ हो,
तब ये 5 ईयर कोर्स इंट्रोड्यूस हुए। बिल्कुल सही बात है कि जब हम लोग लॉ कर रहे थे तो ये देखा जाता था, मैं स्वयं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर किया मेडिकल में, डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मालूम नहीं होगा, मैं बैठा मेडिकल में, उस साल में जूलॉजी में फेल हो गया पेपर में, बाकी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, मैं अगर जूलॉजी में पास हो जाता तो डॉक्टर बन गया होता, आज यहीं होता ही नहीं जहाँ आपके सामने खड़ा। फिर कुछ परिस्थितियाँ मेरे साथ ऐसी आई कि मुझे प्राइवेट बीए करना पड़ा और आज मैं लॉ करके आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि यदि कमिटमेंट है आपका, डिटर्मिनेशन है, तो फील्ड कोई भी हो आप पहुँच ही सकते हैं। और जैसा वर्मा साहब ने अभी बताया था कि टॉप इज ऑलवेज वेकेंट, तो टॉप सभी के लिए वेकेंट है, ऑक्यूपाई करने वाला चाहिए, और वो काम केवल लॉ यूनिवर्सिटी ही कर सकती हैं, उनको स्टूडेंट्स को इस लायक बनाए कि वो ऑक्यूपाई करें टॉप ऑफ द टेबल। मेरे दिल और दिमाग में बड़ी एक बात हमेशा रहती है, जब मैं वकालत के फील्ड में आया तो लोग बड़े डिफरेंट वे में एडवोकेट को देखते थे, अच्छा आप वकालत करते हैं, दैट वॉज ए टाइम जिससे हमको चैलेंज मिल गया और उस चैलेंज की बदौलत हम यहां आ गए। लेकिन एक अनुभव जो मेरे दिल में है वो मैं आपको शेयर करता हूं, वो अनुभव ये है कि किसी भी एडवोकेट को, लॉ यूनिवर्सिटी आप स्टार्ट कर रहे हैं, एडवोकेट को क्या फीलिंग होना चाहिए दिल में वो मैं बताता हूँ। आप जब समाज को देखेंगे, आप इस दुनिया को पास में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आज हमारी जो एक्ट कर रही हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेचारे पुअर नीडी पर्सन्स को कुछ मिल ही नहीं पाता, कई बार उनके आधार कार्ड ही नहीं होते, कई चीज़ें होती हैं ऐसी, उनको इनिशियल नामांतरण नहीं होते, कई प्रॉब्लम होती हैं। तो ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को जो काम दिया गया और उन्होंने इसको अच्छे से निभाया, तो जब आप उसमें वर्क करने जाते हो, मैं काफ़ी जगह गया, देखा मैंने लोक अदालत में और इन सब में, तो मुझे 4 लाइनें उसमें बड़ी अच्छी लगती हैं जो इस प्रोफेशन की जड़ है, जिसको मैंने महसूस किया आज तक। दर्द ही दर्द भर गया दिल में, इतना एहसास करा दिया गम ने, जब भी गिरा किसी आंख से आंसू अपनी आंखों में ले लिया हमने। इस प्रोफेशन के लिए जिस दिन ये फीलिंग आपकी इस एजुकेशन के बाद आ जाएगी, तो ये प्रोफेशन जो आप कर रहे हैं उसमें सार्थकता आ जाएगी। और जब ये प्रोफेशन किसी मेडिकल कॉलेज के कोलैबोरेशन में, ऐसा इंस्टीट्यूट जहां मेडिकल कॉलेज भी हो और लीगल भी हो, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर प्रोडक्ट कहीं नहीं हो सकते। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही प्रोडक्ट हमारे इंदौर शहर में आवे। अब बात आती है डिफरेंट फील्ड्स की। हम लोग जब जनरली देखते हैं, मैं बार काउंसिल में मेंबर भी रहा बाई चांस, तनका साहब एडवोकेट जनरल थे, इन्होंने मुझे कहा तुम बार काउंसिल में क्यों मेंबर बनना चाहते हो, ये बैठे हैं, मैंने कहा नहीं बस कुछ मुझे देखना है, तो बोले तुम जीत तो जाओगे कोई इश्यू नहीं है, पर मैंने जो महसूस किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूं कई केसेस में या कई जगह घूमने के बाद देखा, जो पेरीफेरी पर हमारे एडवोकेट हैं, जहां हमारी बेस तैयार होती है केसेस की, वहां पर और कॉम्पिटेंस की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता किसी में कमी नहीं है, मेरी नज़र में किसी में कोई कमी नहीं है, हर आदमी अपनी जितनी उसकी कुव्वत है उससे काम करता है, लेकिन और कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है, क्योंकि मैं प्रतिदिन अपने आप में और कॉम्पिटेंस के बारे में विचार करता हूँ कि मुझ में कैसे आवे,
तो मैं भी सोचता हूं कि ये और कॉम्पिटेंस सभी में होना चाहिए। तो वहां के जो एडवोकेट है वहां नीड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग हमारे पेरीफेरी पर प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, ये मुझे एक बात नजर आती है। इस फील्ड के बहुआयाम है, केवल प्रैक्टिकल फील्ड लिटिगेशन ही नहीं। दूसरा, मैं दो यूनिवर्सिटी में चांसलर रहा, एनएलयूज में। आप देखिए कि एनएलयूज में एडिक्वेट एकेडमिशियंस नहीं हैं, मतलब कितनी जरूरत है अभी। जुडिशियल ऑफिसर्स, मैं तारीफ करता हूं मध्य प्रदेश की, मैं आंध्र प्रदेश में था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू हुआ वहां सिविल जजेस का, तो मैं बैठा तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश का कैलिवर कितना अच्छा है इन कंपैरिजन वहां जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में। तो यहाँ जो जुडिशियल, जो लोअर जुडिशरी में भी हमारे जजेज आ रहे हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत मेहनत करके आते हैं। नए बच्चे 5 ईयर में करके आते हैं, बस एक ही चीज़ की कमी दिखती है, वो ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग पार्ट कहीं मिस दिखता है मुझे, वो फील्ड है। दूसरा, कॉरपोरेट्स में आपको मालूम है आजकल जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हो गए उनकी रेटिंग में कॉरपोरेट्स का बड़ा रोल है। तो रेटिंग के चक्कर में स्टूडेंट्स हमारे लिटिगेशन की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते एंड दे प्रोसीड इन दैट फील्ड। आई एम नॉट डिनाइंग कि वो फील्ड ठीक नहीं है, हर फील्ड अच्छा है, लेकिन जो वर्मा साहब ने कहा कि उस वकील की पहचान जब ही होती है जब वो न्यायालय में और अपने आप को प्रोड्यूस करता है और वहां पर बहस करके तैयारी करता है, जो वो एक्सपीरियंस लेता है, वो बात को मैं एनरिच करता हूं। क्योंकि वकालत के लिए 4 चीजों की बड़ी आवश्यकता है, रीडिंग, राइटिंग, डिस्कशन और थिंकिंग। अगर कोई भी एडवोकेट रीडिंग, राइटिंग देन डिस्कशन, डिस्कशन तो कोर्ट में हो जाता है, उसका क्वेरी जब कोर्ट से आती है और वो जवाब नहीं दे पाता तो उसको मालूम होता है हुआ क्या, और थिंकिंग, यदि उसके बाद जाके वो थिंकिंग कर ले तो नेक्स्ट केस में या हर केस में वो समझ पाएगा कि कोर्ट की क्वेरी क्या होती है और मुझे आंसर क्या करना है। तो ये 4 चीज का समावेश यदि हो जाए वकालत के फील्ड में तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छे वकील प्रोड्यूस कर पाएंगे। जहाँ तक एकेडमिशियंस का सवाल है, बहुत कमी है, मिलते ही नहीं। जुडिशियल फील्ड, दूसरी बात कॉरपोरेट्स में या आज की तारीख में सॉलिसिटिंग फर्म्स में बड़ा स्कोप है। हम लोग भी, मेरे यहाँ 6 लॉ क्लर्क्स काम करते हैं, लॉ रिसर्चर्स, उसके बाद हर समय 2 से 3 इंटर्न रहते हैं, मतलब 9 to 10 पीपुल दे आर असिस्टिंग टू ऑल ऑफ अस, हम लोगों को असिस्ट करते हैं। वर्मा साहब बता रहे हैं उनके यहाँ स्कोप है। ये बच्चे जो रिसर्च करते हैं अभी, हमको लगता है कई बार कि आज ही हमारे बराबर हैं, ये बिल्कुल हकीकत बात है, लेकिन उनको केवल तराशने की जरूरत है। और तराशने के बाद यदि हम ये करेंगे तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का क्या स्टैंडर्ड होगा, लॉ फील्ड का कितना डेवलपमेंट होगा, ये हम समझ सकते हैं। जहाँ तक बात कोर्टों की है, ये कोविड ने सबको सिखा दिया कि टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस है और कोर्ट में भी इसकी महत्ता कितनी है। हो सकता है कि जब हम ई प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, जजेस लोग, उनको ये ज्ञान ही नहीं था कि एक स्टेज ये भी आएगी कि एडवोकेट्स को हमको घर बैठ के सुनना पड़ेगा। उनका डेवलपमेंट हुआ। मैं जब आंध्र प्रदेश में था, मुझे याद है 25 मार्च को मैंने सबसे पहले हियरिंग जूम पे की थी। 25 मार्च को आंध्र प्रदेश टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस है, मेरा रजिस्ट्रार भी बहुत होशियार था, इंजीनियर था वो, तो उसने कहा वी कैन डू इट। देन क्वेश्चन आया फाइलिंग कैसे हो, उसके रूल्स बनाए। जब तक सब जगह शुरुआत हुई 7 दिन में हमने रूल बना के फाइलिंग शुरू कर दी थी, ई फाइलिंग। सो ये कोविड के डेवलपमेंट्स हैं। आज
जो यूट्यूब पे आप सुन रहे हैं उसके कई पहलू हैं। नेगेटिव पहलू को छोड़ दें, पॉजिटिव पहलू देखिए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रसारण शुरू हो गया। यदि हमारे नए बच्चे लॉ फील्ड के जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हियरिंग देखते हैं, दे कैन स्पेंड द होराइजन ऑफ द लीगल साइड। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं देखने को मिलता है। वो पेरिफेरी में बैठा हुआ है, टेक्नोलॉजी का जानकार है, सेबी है, तो वो इसको समझ सकता है। परिस्थितियां अपने आप सिखा देती हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैनेजमेंट की जरूरत अब रह गई है क्योंकि पेंडेंसी है। पेंडेंसी में अभी हमारे यहाँ मीडिएशन कंसिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। आर्बिट्रेशन का वर्क शुरू हुआ, उसके रिफाइन करने की जरूरत है जो आपके सामने बात हुई। तो दीज आर दी सो मैनी फील्ड विच इज ओपन टू एवरीबडी एंड दैट टू इन पर्टिकुलर ए लॉ स्टूडेंट। अब मैं कोर्सेज की थोड़ा बात करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी यहां से देखता हूं, आज की तारीख में अगर हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट देखते हैं पुलिस किसी भी केस में, तो इज वेरी पुअर एंड इट्स टोटली बेस्ड ऑन द साइबर लॉज। साइबर लॉज डू नॉट मीन दैट इट इज ए साइबर ऑफेंस, बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन इन्वेस्टिगेशन इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ए साइबर लॉ। कितना जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पा रहा। जब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में आते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन उस पर हो ही नहीं पाता, क्योंकि बिकॉज द टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है। एडवोकेट को पूछने नहीं मालूम ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन इससे पूछना चाहिए और क्या करना चाहिए। दीज आर द रिक्वायरमेंट। अभी यहां पर एनसीएलटी की ब्रांच शुरू हो गई। आईबीसी कोड 2016 जब लाया गया, मैं जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जब मुझे ये कॉरपोरेट लॉस का लिटिगेशन मिला, यानी फर्स्ट डे समझ सकते हैं क्या, उस दिन 5 फाइलें कॉरपोरेट लॉस की, 3 hours आई कुड टेक टू रीड दोज फाइल्स एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट। फिर उन्होंने आईबीसी देखा तो मुझे लगा कि कितनी जरूरत है। और आज की तारीख में कॉरपोरेट लॉस का सबसे बड़ा लिटिगेशन अगर किसी कहीं है तो वो NCLT में है। NCLT की अभी की पोजीशन में 70 पोस्ट्स हैं और NCLAT की डिफरेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि NCLT में कितना स्कोप है, वो लॉज का कहीं है ही नहीं। हमको जो ट्रेडिशनल लॉज हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इन लॉज का समावेश अपने कोर्सेस में, डिप्लोमा कोर्सेस में करना ही पड़ेगा, जब हम अच्छे लॉयर्स को या अच्छे लॉ स्टूडेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जो लॉ फैकल्टी से रिलेटेड हैं। मैं अंत में बस इतना ही कहूँगा कि आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, याद किया और मुझे यहाँ अपने विचार शेयर करने का अवसर दिया। मैं इस सब के लिए आप सबका तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूँ, और एटलीस्ट लास्ट में मुझे सब लोगों से मिलने का अवसर दिया इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।